नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं पूजा टंडेल। दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचार की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पे। दादानगर हवेली के करण होटल मैनेजमेंट कॉलेज के दो छात्रों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते फैली फफड़ाहट। संघ प्रदेश दमन दीव दादानगर हवेली में कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर आज रात्रि से 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू अमलवारी जारी। पाटी तहसील पंचायत की सामान्य सभा में 61,66,00,000 का अंदाज पत्र सर्वानुमत से मंजूर किया गया। दादानगर हवेली सांसद के खुदकुशी केस में मुंबई हाईकोर्ट की 9 अप्रैल तक कलेक्टर को बीच की राहत। धर्मपुर की एक महिला को एक शख्स ने बदनाम करने की धमकियां देकर दुष्कर्म करते आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। दादरानगर हवेली के करार होटल मैनेजमेंट के कॉलेज के दो छात्रों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते सनसनी। दादरानगर हवेली में प्रदेश में हाल ही में 48 केस कोरोना के सक्रिय है। अब तक 1,666 केस रिकवर हो चुके हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है। प्रदेश में 403 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 14 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आए थे। आरोग्य विभाग द्वारा दादरा नगर हवेली की सभी सोसाइटियों में कोरोना वैक्सीन देने की शुरुआत की गई है। साथ ही दादरा नगर हवेली की प्राइमरी स्कूलों को बंद करवा दिया गया है, तो प्रदेश में 11 कंटेनमेंट जोन भी घोषित किए गए हैं। दादरा नगर हवेली स्वास्थ्य विभाग द्वारा विनोबा भावे नर्सिंग कॉलेज और खानवेल सब जिला अस्पताल पर कोविशील्ड वैक्सीन का टीकाकरण भी चल रहा है। प्रदेश में कुल 12,978 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। दादरा नगर हवेली में कोरोना पॉजिटिव के केसों में रोज बरोज बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश की आसपास के राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी कोरोना पॉजिटिव के केसों का आंक बढ़ने की वजह से बॉर्डर पर कोरोना के टेस्ट करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। હું નિમિષા વાવસર, મેં હમણાં ફેઝ 5 હોલમાં વેક્સિન લીધી છે અને આ બહુ સારું કાર્ય છે પ્રશાસનનું કે બધાને ઘેર બેઠા વેક્સિન મળે છે। અગર હવેલી એડમિનિસ્ટ્રેશન તરફથી આ બહુ સારી એક પહેલ છે અને આ રીતે આપણને આપણા ઘરની નજીક વેક્સિનેશનનું પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કર્યો છે અને બધાને મદદરૂપ થઈ શકે છે અને બધા બહુ આસાનીથી આ વેક્સિન લગાવડાવી શકે છે। संप्रदेश दमण दीव दादरानगर हवेली में कोरोना के बढ़ते केसों को लेके आज रात्रि 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू अमलवारी जारी। संप्रदेश दमण दीव दादरानगर हवेली में कोरोना के बढ़ते केसों को लेके आज रात्रि से 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू अमलवारी रखा गया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेके प्रशासन द्वारा फैसला लिया गया था। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और दमन में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बावजूद कोरोना के केसों में बढ़ोतरी होते रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात्रि को पुलिस सख्त पेट्रोलिंग करती रहेगी। संघ प्रदेश की जनता को कर्फ्यू के नियमों का पालन करने का आदेश भी दिया गया था, जो कि शुक्रवार को दमन में कोरोना के 5 केस आए थे और कुल 42 कोरोना केस सक्रिय है। तहसील पंचायत की सामान्य सभा में 61,66,00,000 का अंदाज पत्र सर्वानुमत से मंजूर किया गया। सभा की शुरुआत में शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं देते अपक्ष के बच्चू भाई ने दुर्भाग्य बताया। पाटी तहसील पंचायत में शुक्रवार के रोज सुबह 11 बजे प्रथम सामान्य सभा प्रमुख मित्तलबेन पुनीत भाई पटेल की अध्यक्षता में मिली थी। उप प्रमुख तरुण भाई पटेल टीडीओ और अपक्ष के चुने गए बच्चू भाई पटेल, कांग्रेस के एक सभ्य और भाजपा के 20 सभ्य भी उपस्थित रहे थे। सभा की शुरुआत में एजेंडा के ऊपर को कामों को लिया गया था। साथ ही प्रथम कारोबारी समिति की रचना के बारे में प्रमुख मित्तलबेन ने कुल 9 सभ्यों के नामों का समाविष्ट किया था। सामाजिक न्याय समिति में 5 सभ्यों के नामों की समिति सर्वानुमत से मंजूर की गई थी। उसके बाद साल 2021-22 के बजट के रूपये
61,66,15,000 का अंदाज पत्र सर्वानुमत से मंजूर किया गया था। प्रमुख ने अंदाज पत्र में शिक्षण क्षेत्र में 1,40,000, बांधकाम क्षेत्र में ₹7 लाख, समाज कल्याण क्षेत्र में ₹6 लाख, कुदरती आपदा क्षेत्र में 11,50,000, खेत क्षेत्र में 8,05,000 और स्वभंडोल में से की गई जुगवाई को बताकर निवेदन पेश कर आभार व्यक्त किया था। उमरसाड़ी बैठक के अपक्ष के चुने गए बड़वंत भाई उर्फ बच्चू भाई पटेल ने सभा की शुरुआत में ही शहीदों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए ऐसा मत पेश किया था। बाद में उन्होंने बताया कि प्रथम सामान्य सभा होने के बावजूद भी कोई भी सभ्य की पहचान परेड नहीं की गई थी, जो दुर्भाग्यपूर्ण हो दुख व्यक्त किया था। विकास लक्षी अंदाज पत्र में रास्ता, पानी, गटर और अन्य तमाम पाया की सुविधाओं को लिया गया था। सभा में कारोबारी समिति के अध्यक्ष के तौर पर पहले पर्या के जगदीश चंद्र पटेल को मैंडेट देकर नियुक्त किया गया था, जबकि न्याय समिति के अध्यक्ष के तौर पर अनूप पटेल के नाम का मैंडेट भाजपा पार्टी ने नियुक्त किया था। इस सभा में सरपंच संघ के प्रमुख दीक्षांत पटेल और भाजपा के अग्रणी उपस्थित रहे थे। सामान्य सभामां बजेट खूब टूंका समयमां रजू करवामां आव्युं, एटले एमां कोई वांधा विरोध के कोई हतुं नहीं अने बजेट सारू तरीके अमे मंजूर करी दीधुं। आजनी प्रथम पारडी तालुका पंचायतनी सामान्य सभामां 23 मार्चे शहीद दिवस तरीके आपणे उजवीए छीए। एमां देशना प्रथम शहीदवीर भगतसिंह, राजगुरु सिंह એવા અસંખ્ય પુરુષોને શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ આપણે આપવો જોઈએ, એ મારી રજૂઆત મેં એમને કરી કે ભાઈ 2 મિનિટનું મૌન પાડીને એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવી જોઈએ। ભાઈ શ્રી સુરજભાઈ એસોએ એવું કીધું કે પ્રમુખ સ્થાનેથી લેવામાં આવશે, પરંતુ પ્રમુખ સ્થાનેથી પણ એ મુદ્દો લેવામાં નહીં આવે, એ ખૂબ ગેરવ્યાજબી કહેવાય। આ પારડી તાલુકા પંચાયત માટે બહુ ખરાબ વસ્તુ કહેવાય કે દેશના જે વીરો છે એમને શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ આપણે આપવો જોઈએ, દરેક જગ્યાએ અપાતો હોય છે। સાથે સાથે આજની પ્રથમ તાલુકા પંચાયતની સામાન્ય સભામાં દરેક તાલુકાના ગામના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓની ઓળખ પરળ સૌ પ્રથમ થવી જોઈએ, એ પણ નહીં થઈ, જાણે કે તાલુકા પંચાયતમાં ઘેટા બકરાનું ટોળું આવ્યું હોય એવી રીતે આવીને સીધા ને સીધા સભાની પૂર્ણાહુતિ કરીને આભાર વિધિ વિધિ વગર એમને રવાના કરી દેવા। આજે કારોબારી સમિતિ, ન્યાય સમિતિ 2021 અને 22 નું અંદાજપત્ર આજે લેવામાં આવ્યું। કારોબારી સમિતિમાં જગદીશચંદ્ર નવીનભાઈ પટેલ, અંકિતકુમાર ઉત્તમભાઈ પટેલ, રાકેશભાઈ રતિલાલ પટેલ, શ્વેતાબેન જેનીશભાઈ પટેલ, જીતેશભાઈ કીર્તિભાઈ પટેલ, વર્ષાબેન હર્ષદભાઈ પટેલ, જિજ્ઞેસાબેન વિજયભાઈ પટેલ, દક્ષિણભાઈ છોટુભાઈ પટેલ, ભરતીબેન જયેશભાઈ પટેલ ને કારોબારી સમિતિમાં સભ્યશ્રી તરીકે લેવામાં આવ્યા છે। સામાજિક ન્યાય સમિતિમાં અનુપભાઈ પુરુષોત્તમભાઈ પટેલ, સંગીતાબેન પ્રવીણભાઈ પટેલ, વિજયભાઈ ઉત્તમભાઈ પટેલ, નિરંજનાબેન નિતેશભાઈ નાયક, ભારતીબેન મહેશભાઈ ગણપતિ ને ન્યાય સમિતિમાં સભ્યશ્રી તરીકે લેવામાં આવ્યા છે। કેવી ગઈ સામાન્ય સભા? કેવી ગઈ આજે સામાન્ય સભા? શાંતિપૂર્ણ હતી। એટલે એક મુદ્દા કે એક અપક્ષ સભ્ય કે શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં એ વખતે કે નારાજગી કે મુદ્દા લીધેલા છે કે આજે નગરથી કહી દીધું। દાદરાનગર હવેલી સાંસદ કે ખુદકુશી કેસ મે મુંબઈ હાઈકોર્ટ કી 9 એપ્રિલ તક કલેક્ટર કો બીચ કી રાહત મિલી। સંપ્રદેશ દમણ દાદરાનગર હવેલી કે પ્રશાસક કો દિલ્હી કે ઉપરાજ્યપાલ બનાને કે લિયે કેન્દ્ર ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા પ્રથમ નામ કી ચર્ચા મે। સંપ્રદેશ દાદરાનગર હવેલી કે સાંસદ સ્વર્ગસ્થ મોહનભાઈ ડેલકર કી ખુદકુશી કે કેસ મે દાદરાનગર હવેલી કે કલેક્ટર સંદીપ સિંહ ને FRI રદ કરને કી મુંબઈ હાઈકોર્ટ મે અરજી દાખિલ કી થી, જિસમે કોઈ ભી પ્રકાર કે સબૂત નહીં થે। जिस अर्जी की अब 9 अप्रैल तक सुनवाई हो तब तक कलेक्टर गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस केस में एट्रोसिटी एक्ट भी नहीं लग सकती, तो अब इस केस में हाईकोर्ट की सुनवाई पर निगाहें हैं। साथ ही दमन दादरा नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल को दिल्ली के उप राज्यपाल बनाने का केंद्र मंत्रालय द्वारा प्रथम नामों की चर्चा में आए हैं। साथ ही अन्य के
दो नाम भी चर्चा में रहे हैं, तो संदीप सिंह के एडवोकेट ने हाईकोर्ट में FIR रद्द करने की अर्जी में 9 अप्रैल तक कलेक्टर को बीच की राहत दी गई है। धर्मपुर की एक महिला को एक शख्स ने बदनाम करने की धमकियां देकर दुष्कर्म करते आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धर्मपुर के काकड़कुवा डुंगरी फुलिया की वनिता बेन गणेश भाई गुदड़िया उम्र वर्ष 27 साल की आज से एक साल पहले गांव के ही धनसुख भाई छेदर भाई गुमाड़िया के साथ पहचान हुई थी, जिसके बाद बार बार फोन कर मिलने के लिए धनसुख भाई बुलाता था, पर वनिता बेन नहीं जाते। बदनाम करने की धमकियां धनसुख भाई देता था और डर से वनिता बेन जाती हो बाइक पर बिठा कर विल्सन हिल, मालनपाड़ा, नाना पोंडा जैसी जगहों पर ले जाकर मर्जी के खिलाफ धनसुख जोर जबरदस्ती करता था, जिसके बारे में उनके पति को मालूमात होते बैठक भी रखी गई थी, पर धनसुख नहीं आया था। बाद में 9 मार्च 2021 को दोपहर को वनिता बेन को फोन कर धमकियां दी थी और फिर से वो करंजली तहसील सुरगाना लेके गया था और दुष्कर्म किया था, जिसके बारे में दो संतान की माता वनिता बेन ने धर्मपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की है। वलसाड जिल्लाना धरमपुर पोलिस स्टेशन हदमा एक बनाव बनवा पामेलो छे, जेमा एक पुख्त वयनी बे बाळकोनी माता छे, तेने तेनी बाजूमां रहेता एक ईसमे बळजबरी करी जानथी मारी नाखवानी धमकी आपी, फोटाओ पाड़ेला बीजाने बताई देवानी धमकी आपी अने तेनी साथे अवारनवार तेनी इच्छा विरुद्ध दुष्कर्म करेलानो बनाव बनवा पामेलो छे, तेनो गुनो दाखल करवामां आवेलो छे। आ गुनाना कामे आरोपीनी धरपकड करवामां आवेली छे અને આગળ મેડિકલ ટેસ્ટ કરાવી અને બીજા પુરાવો પ્રાપ્ત કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહેલી છે। આ છેલ્લા એક વર્ષથી આ આરોપી મહિલાને બ્લેકમેલ કરતા હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવેલું છે। દાદરાનગર હવેલી કરાટ પોલિટેકનિક કોલેજ પરિસરમાં આગ લાગતે ભગદડ મચી। સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલી કે કરાડ ગામમાં આવી BBA પોલિટેકનિક કોલેજ પરિસરમાં ઘાસવાલે મેદાનમાં કોઈક અનજાની વજહ સે આગ લાગતે ભગદડ મચ ગઈ હતી। आग के बारे में कॉलेज के स्टाफ ने सिलवासा फायर विभाग को जानकारी देते तुरंत ही फायर की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची थी और आग को काबू में लिया गया था। सदनसीब से कोई भी छात्र या शिक्षक आग की चपेट में नहीं आते, जान हानि टली थी। वलसाड़ जिला पंचायत की सामान्य सभा में 196 करोड़ का पुराण वाला बजट सर्वानुमत से किया गया मंजूर। वलसाड़ जिला पंचायत की सामान्य सभा शुक्रवार के रोज राजीव गांधी सभागृह में प्रमुख अलकाबेन शाह की अध्यक्षता में मिली थी। सभा में 196 करोड़ के पुराण वाले बजट को सर्वानुमत से मंजूर किया गया था, साथ ही विविध समितियों की रचना भी की गई थी, जिसमें कारोबारी समिति के अध्यक्ष के तौर पर गुलाब भाई राउत और सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष के तौर पर धवल पटेल, शिक्षण समिति चेयरमैन निर्मलाबेन यादव, जाहिर बांधकाम समिति के चेयरमैन मुकेश पटेल, आरोग्य समिति के रंजनबेन पटेल इत्यादि समितियों के चेयरमैन को नियुक्ति की गई थी। जिला पंचायत के साल 2021-22 के लिए 1129 करोड़ आवक के सामने 932 करोड़ का खर्च दर्शाया गया था। बंद सिलक दर्शाते 196 करोड़ का पुरांत वाला बजट सर्वानुमत से मंजूर किया गया था। इस सभा में DDO अर्पित बेनसागर और चुने गए जिला पंचायत के सभ्य और स्टाफ उपस्थित रहे थे। आज बीजी सामान्य सभा हती, आमा मेन जो मुद्दा लेवाया हता आ थे समिति नी रचना। जुदा जुदा समिति नी रचना थई गई छे, जो आप लोगों ने जान छे, अने बीजी मेन वस्तु छे बजट। तो बजट नी वात करिए तो आ स्वभंडोल ने बजट आज मंजूर थया छे, अने मनरेगा ना पण बजट मंजूर थया छे। स्वभंडोल ना वात करिए तो मेन जो विकास ना कामों ना बजट जो रेती रॉयल्टी स्टैम्प ड्यूटी ना जो ग्रांट छे आमा 300 लाख नी जोगवाई करेली छे। पची जो शिक्षण क्षेत्र में 26.23 लाख नी करी छे, आरोग्य क्षेत्र में 14.13 लाख नी करी छे, अने पहला लास्ट ईयर 5.65 हता, तो आ कोरोना ना संदर्भे वधाया छे। अने इवन महिला अने बाल कल्याण में लास्ट ईयर 6.6 लाख हता, अने आ वर्ष 12.70 लाख लेवाया छे,
जेवी के सोशल सेक्टर में थोड़ा ध्यान आपी शके अने जो जो स्कीम्स में थोड़ू और वधावी शके अने अमारे आंगनवाड़ी अने स्पेशली मालनरिश बाड़कों माटे कशु करी शकाय तो आ माटे जोगवाई करेली छे। बीजी बात करी तो समाज कल्याण क्षेत्र 25 लाख 25.44 लाख छे, बांधकाम 40.4 लाख छे, सिंचाईमां 12.5 लाख छे, एवी रीते बाकी बधा एज पर रूल्स ही राखेला छे। पाड़ी मेहता अस्पताल के पास हाईवे पर मुंबई से बड़ौदा की ओर जा रहा टेम्पो पलटी होते दुर्घटना घटी। पाड़ी नेशनल हाईवे नंबर 48 स्थित मेहता अस्पताल के सामने टेम्पो चालक ने तेज गति से टेम्पो चलाकर अचानक ब्रेक लगाते सर्विस रास्ते पर टेम्पो पलटी होते दुर्घटना हुई थी। शुक्रवार के रोज मुंबई एयरपोर्ट से माल भरकर टेम्पो बड़ौदा की ओर जा रहा था। उस दौरान टेम्पो नंबर MH04GF6099 के चालक ने अपना वाहन तेज गति से चलाकर अचानक ब्रेक करते टेम्पो पलटी हो गया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची थी और वाहनों की लंबी कतारें लगते पुलिस ने ट्रैफिक क्लियर किया था। बाद में क्रेन से टेम्पो को साइड में किया गया था। यहां सर्विस मार्ग पर दिन भर स्कूल के छात्र और काम के लिए जाने वाले राहदारियों का तांता लगा रहता है, पर दुर्घटना के समय आवागमन कम हो बड़ी दुर्घटना बनने से टली थी। टेम्पो चालक का चमत्कारिक बचाव हुआ था, जो कि अब हाईवे के फर्स्ट ट्रैक पर बेफाम तरीके से भारी वाहनों के सामने तंत्र द्वारा सख्त कदम उठाए जाए वो जरूरी बन रहा है। મારા શોપ પર જતો હતો ને મારી અગાડી આ ગાડી હતી, તો ભાઈનું કંઈક કારવાલાએ આમ તેમ ઓવરટેક કરવામાં આ ભાઈનું બેલેન્સ બગડી ગયું ને ગાડી ડિવાઈડર પર ચડીને સીધી મેઇન સર્વિસ રોડ પર આપણા વચ્ચોવચ્ચ પલટી મારી ગઈ છે। પણ સદનસીબે કે કોઈક સ્કૂલના પોયરા કે કોઈ બાઇકવાલા કે કોઈ હતું નહીં, એટલે કોઈ જાનહાની થઈ નથી। આ આપણે પારડી એક મેઇન 4 રસ્તા છે ને તેના સર્વિસ રોડ મહેતા હોસ્પિટલ પાસે આ એક્સિડન્ટ થયું છે। ટેમ્પો ડ્રાઈવરને પૂછ્યું તો બોમ્બે એરપોર્ટનો માલ છે એમ કીધું છે ને એ બરોડા જઈ રહ્યો છે। ના ડ્રાઈવરને બી જાની કોઈ પબ્લિકમાં બી કોઈ જાનહાની નથી, બધું સેફ છે, ખાલી ગાડી પલટી મારી ગઈ છે એટલું જ છે। ના ના ટ્રાફિક બી નથી, ટ્રાફિકની સોલ્યુશન નીકળી ગઈ છે સર, ઉપર સાઈડ પર એક રોડ બાયપાસ આપી દીધો છે ને બાકી તો ઓવરબ્રિજ ચડાઈને યુટર્ન મારીને આવે છે। કોરોના કો લેકે ભિલાડ બોર્ડર પર લક્ઝરી બસ ઓર ભારી વાહનો કો ચેક કિયે બિના પસાર કરતે કાર ચાલકો કો ઘંટે તક કતાર મે ખડે રખતે આક્રોશ। ભિલાડ નેશનલ હાઈવે નંબર 48 કે પાસ મુંબઈ મહારાષ્ટ્ર સે ગુજરાત બોર્ડર પર ચાલ રહે કોરોના જેસી મહામારી કે બઢતે કેસો કો લેકર ગુજરાત સરકાર દ્વારા મહારાષ્ટ્ર સે આતે યાત્રિકો કો आर्टिफिशियल टेस्ट कराए बगैर गुजरात में प्रवेश करने की मंजूरी देने के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसकी जानकारी यात्रिकों को न हो कई यात्रिकों को वैसे ही वापस लौट के जाना पड़ रहा है, जिसमें लग्जरी बसों को चेक नहीं किया जाता है, भारी वाहनों को भी चेक नहीं किया जाता है। कार और अन्य वाहन चालकों में इसे देख आक्रोश दिखने को मिला था। पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को तेज गति से आते वाहनों को रोकने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सरकारी आरोग्य कर्मचारी वाहन चालकों की विगतों को भरकर टेम्परेचर चेक कर स्थानिक लोग और गुजरात पार्सिंग वाहनों को जाने की परमिशन दे रहे हैं। महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को आर्टिफिशियल रिपोर्ट के बगैर गुजरात राज्य में प्रवेश पर रोक लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर गुजरात सरकार की सतर्कता बढ़ रही है और सावधानी के तौर पर कार्यवाही कर रही है। बस पेलू आर्टिफिकल पेलू कई मांगा छे डॉक्टर सर्टिफिकेट मांगो नहीं तुम्हारी पास है? नहीं नहीं सर। 6000 नहीं करना छपन काम माटे गया था सोलर काम माटे। मैं केडी से आ रहा हूँ, वापिस जा रहा हूँ, डेली मेरा अप डाउन करना है, डेली स्क्रीन करो ये करो अच्छी बात है, पर जो ट्रक जा रही है ट्रक में 2-3 लोग आराम से जा रहे हैं, मैं खुद अकेले आऊंगा उधर तो वो उसका उसको चेक नहीं कर रहे। करो सबका करो, स्क्रीनिंग तो होना चाहिए सर, अच्छी बात है। 72 आवर्स में रिपोर्ट कैसे देंगे डॉक्टर? डॉक्टर के पास अपने को अकाउंट ओपन करना पड़ेगा डॉक्टर के पास। अरे सर हम लोग डेली वाले हैं तो हमें डेली अगर आना है तो 72 आवर्स का रिपोर्ट चाहिए। हम लोग डॉक्टर के पास अकाउंट ओपन करना पड़ेगा फिर डेली रिपोर्ट के लिए। कभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ड्रामा होता है, कभी गुजरात गवर्नमेंट का ड्रामा होता है।
घर पे बैठना पड़ेगा। तो नियर बाय बॉर्डर एरिया में, बॉर्डर एरिया में जो आती है उनके लिए क्या है? दादरा नगर हवेली में आयुष्मान भारत योजना के तहत नाम दर्ज करवाने और नवीनीकरण के लिए अंतिम समय मर्यादा 31 मार्च 2021 तक रहेगी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के विनोबा भावे सिविल अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना चल रही है। दादरा नगर हवेली के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकरण एवं नवीनीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है। आप सभी से अनुरोध है कि तुरंत अपने परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आज ही इस योजना से जुड़े। अधिक जानकारी के लिए नजदीक की स्वास्थ्य केंद्र अथवा टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। 31 मार्च तक अपील यही है कि रिन्यू और जिसका बाकी वो करा लो, जिसका नया बाकी वो भी करा लो। 3,091 रुपये पेमेंट है, सिलवास का प्रूफ सब लगेगा। अच्छा, पूरा आईडी प्रूफ लें? हाँ, आईडी प्रूफ सब। तो 31 मार्च तक ये जरूरी है? हाँ जरूर। टाइम है 9 से 1 है, 2 से 6। और मैं डॉक्टर वी के दास, डायरेक्टर है मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज दादरा नगर हवेली दमन दीव। ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि कोविड का सेकेंड फेज शुरू हो चुका है और हमारे भी डिस्ट्रिक्ट्स में वापस कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं, खासकर दादरा नगर हवेली और दमन में। इसमें हम सबको एहतियात बरतनी है और जो पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज, हैंड को हैंड वॉश करना, ये सब आप प्लीज पालन करें। इन सब चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कोविड जैसा अभी अर्बन एरियाज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया हुआ है, रूरल एरियाज़ में कम है, तो अर्बन एरियाज़ के लोग ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी एक ऑर्डर निकाला है जिसमें उन्होंने बोला है कि कॉमन जो सेलिब्रेशन है वो 100 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो, कोशिश करें वो भी नहीं हो, और आराम से ये डिजीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी लें। किसी को भी फीवर, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल या बॉडी एक सीवियर है तो नज़दीकी हेल्थ जो सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जाके टेस्ट कराएं और इलाज भी कराएं। इलाज और टेस्ट पूरे हमारे जो गवर्नमेंट के हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसमें अवेलेबल हैं, तो आप सब उसका लाभ लें और जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने कोविड का इम्यूनाइजेशन शुरू कर दिया है और पहली तारीख से हम अबाउ 45 इयर्स के जितने भी लोग हैं। तो ये थे आज के समाचार। नए समाचार के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।